तो बेसिकली आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक करा रही हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करा रही हूँ, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूलभूत ढांचा क्या है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी मेकिंग में क्या प्रोसेस रहा और कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएँ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आज मैं आपको करवाऊँगी। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं तो आप प्री इंडिपेंडेंस अगर देखें तो स्वराज की जो मांग है वो शुरू हो गई थी और ब्रिटिश इंडिया में ही भारतीयों, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में अगर आप देखते हैं तो भारतीयों के लिए इनको कोई हमें अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है, हमारा जो पूरा रूल था देट वॉज वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था और जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके से हमारे ऊपर शासन चला रहे थे। तो आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, आज़ादी के लिए आप देखेंगे पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे गांधी जी के नेतृत्व में और भी जो हमारे उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर थे। तो ब्रिटिश टाइम से ही भारतीयों के लिए जो संविधान की बात थी भारतीयों ने इस तरीके से उठाया कि भारतीयों के लिए जो संविधान है वो भारतीय ही बनाएंगे, बट इस बात को ब्रिटिशर्स कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। बट बाय द टाइम हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते होते वर्ल्ड सिनेरियो इस तरीके से चेंज हो चुका था, विश्व में जो चीजें हैं वो इस तरीके से चेंज हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स को ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए प्रॉमिस करना पड़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बेसिकली दे वांट, वो ये चाहते थे कि जो भारतीय सैनिक है वो उनकी तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े और उसके लिए उस टाइम उन्होंने फिर इस तरह की कंडीशंस को मान ली कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारतीयों को उनका संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। इवन आप देखोगे तो अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिशर्स ने यह भी कहा कि भारतवासी संभवतः भविष्य में अपने लिए अपना संविधान खुद बनाएंगे। और जो एक संविधान बनाने का हमारा जो प्रोसेस शुरू हो जाता है वो 1942 में आप देखेंगे क्रिप्स मिशन के टाइम से ही शुरू हो जाता है कि उसने एक योजना तैयार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। इवन आप स्क्रीन पे भी देखेंगे छोटे छोटे, मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। आप अगर नोट नहीं कर सकते हो, अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देखेंगे कि जो कि क्रिप्स मिशन में ये बात हुई कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी, मगर उसमें कुछ कमियां होने की वजह से भारतीयों ने उसको स्वीकार नहीं किया। एंड देन 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है और कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव भारतीय संविधान को बनाने के लिए रखा वो काफी व्यवहारिक था और उसको स्वीकार किया गया। इस कैबिनेट मिशन की योजना में कहा गया कि जो भारतीयों के लिए भारतीय संविधान बनाने के लिए जो एक संविधान सभा निर्वाचित की जाएगी में जो डिफरेंट हमारे प्रांत थे या जो अलग अलग तबके थे उसका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि टोटल जो सीट रहेगी वो टोटल आपका 389 रहेगी। 389 में से 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और 93 जो है वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। और उस टाइम जो ये चुनाव कराने की बात हुई, जो उन्होंने विधानसभाएं या जो प्रांत उन्होंने चुनाव के लिए उस टाइम डिसाइड किया वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की बात जो है वो हुई। अब आप देखेंगे कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसके थ्रू संविधान निर्माण के लिए जो सदस्यों की संख्या जो है वो निर्धारित कर दी गई कितनी, 289। बट उस टाइम आप देखोगे अगर हम बैक में जाते हैं तो उस टाइम काफी विरोध चल रहा था, मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, जिन्ना पाकिस्तान की अलग डिमांड कर रहे थे और इंडिपेंडेंस से पहले ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मांग है वो स्वीकार कर ली गई। और जब ये चीज होती, पाकिस्तान की मांग जब स्वीकार कर ली गई और पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई उसके बाद जो संविधान सभा के जो सदस्य थे
उसमें रिफॉर्म आया, वो चेंजेस हुए उसमें। और आप देखोगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के विभाजन के बाद जो संख्या रह गई संविधान सभा के सदस्यों की, वो 289 की बजाय कितनी रह गई, 224 रह गई, जिसमें से 235 जो थे वो प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 89 जो थे वो जो देसी राज्य थे, देसी जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधि थे। तो विभाजन के बाद, भारत के विभाजन का डिसाइड होने के बाद जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में हम देखेंगे काफी चेंज आ जाता है। संविधान सभा की जो बैठकें शुरू हुई, ऐसा नहीं था कि संविधान का जो निर्माण है वो 1947 अगस्त 1947 के बाद हुआ हो, ऐसा नहीं है। संविधान सभा की जो बैठक है, जो भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया जाना था, उसकी बैठक आप देखोगे 1946 में, बिफोर इंडिया के इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी से पहले ही ये चीज शुरू हो गई। और पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 1946 को हुई, और उस पहली बैठक की जो अध्यक्षता की वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये अस्थाई सदस्य थे संविधान सभा के, ये अस्थाई सदस्य थे चुने गए। इसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी स्थाई सदस्य के रूप में चुने गए। और उसके बाद संविधान सभा का जितना भी कार्य हुआ, ठीक है, संविधान सभा की जितनी भी बैठकें हुई, वो सारी बैठकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में की गई। संविधान का जब मेकिंग शुरू हुआ, तो आप देखोगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 13 दिसंबर को हुई। आप देखोगे पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, देन जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को होती है, एंड तीसरी जो बैठक है आपकी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। उद्देश्य प्रस्ताव में बेसिकली ये था कि हमारा संविधान क्या होगा, कैसा होगा, किस तरीके का संविधान हम चाहते हैं, इसका वर्णन उसमें किया गया। एक हफ्ते तक, अराउंड 13 to 19 दिसंबर तक, संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। पूरी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद 22 जनवरी 1947, बिफोर इंडिपेंडेंसी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को, इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया। संविधान बनाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा संविधान वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है, बहुत एलिब्रेटेड है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया है। तो हर फील्ड के लिए उन्होंने, हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग समितियां बनाई। इन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे जिन्होंने अलग अलग फील्ड पर काम किया कि किस फील्ड में किस तरीके से कानून बनाना है, क्या नीतियां होनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ ये कुछ संविधान सभा की जो समितियां हैं उसके मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं, आप चाहे तो नोट कर ले। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट समिति थी, डिफरेंट समितियों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समिति थी, वो है आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का काम क्या था कि संविधान सभा में जो भी, संविधान सभा में जो भी विचार विमर्श होंगे अलग अलग मुद्दों पर, उन सभी को नोट करके, उन सभी पर विचार विमर्श करके और संविधान का एक प्रारूप तैयार करना, यह प्रारूप समिति का कार्य था। तो बेसिकली जो आपने सुना होगा, ये सारा जो कार्य रहा, ये सारा जो बेसिकली संविधान का जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मेकिंग रहा, वो किसके अंडर रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सॉरी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के अंडर रहा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही थे, तो इसीलिए बी.आर. अंबेडकर जी को संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का उनको पिता, उनको जनक या निर्माता कहा जाता है। हमारे संविधान को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि जब मैं आगे आपको विशेषता बताऊंगी तो आप देखोगे कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, हर चीज का बहुत ही विस्तार से हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने बहुत अच्छे से सोच समझकर हर चीज पर
विचार विमर्श किया और उसके बाद उसको हमारे संविधान में, उन चीजों को हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, उसमें सम्मिलित किया गया है। तो हमारे संविधान को बनने में टोटल जो टाइम लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा है। और उस टाइम और आज के टाइम पर अगर आप देखो तो हमारे संविधान में काफी चेंजेस आ चुके हैं। देखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 कॉपियां संविधान सभा के सदस्यों के बीच में रखी गई, सभी सदस्यों के बीच में, और जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के उन्होंने संविधान की 3 कॉपियों पर अपने हस्ताक्षर किए, अपने हाथ से उन्होंने उस पर साइन किए, जिसमें कि एक इंग्लिश की कॉपी थी जिस पर की कैलोग्राफी की गई थी, एक उस इंग्लिश की हैंड रिटन कॉपी की कॉपी थी, और एक जो कॉपी थी वो हिंदी में लिखी गई थी। तो 3 कॉपी थी, एक इंग्लिश की कॉपी इंग्लिश में लिखी गई थी, इंग्लिश का हैंड रिटन इंग्लिश में लिखा हुआ संविधान था, हैंड रिटन था जिस पर कैलोग्राफी की गई थी, एक उस इंग्लिश की कॉपी थी और दूसरा एक हिंदी में हैंड रिटन आपका संविधान था। सो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन से हम गणतंत्र कहलाए। देखिए हम आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे, बट उस टाइम हम सिर्फ स्वतंत्र थे, गणतंत्र नहीं थे, ठीक है, हमारा अपना संविधान जो है वो नहीं बना हुआ था और हम पूरी तरीके से जो हमारे देश का शासन चल रहा था वो हमारे अपने बनाए हुए कानून के अकॉर्डिंग, हमारे अपने बनाए हुए संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। बट 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र हुए, हमारे देश में जो भी शासन चल रहा है वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल थे, बट टाइम टू टाइम हमारे संविधान में संशोधन होते रहे हैं, समय समय पर हमारे संविधान में जो है वो संशोधन होते रहे हैं। और आप एट प्रेजेंट देखो तो हमारे संविधान में जो टोटल आर्टिकल है उस टाइम कितने थे, 395, बट अभी जो आर्टिकल है वो है आपके 448, 448, 448। और ये जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ ये आपका 25 जनवरी 2020 तक का है। 25 जनवरी 2020 तक हमारे संविधान में टोटल 104 बार संशोधन हो चुके हैं और इतने संशोधन के बाद हमारे संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो भी बढ़ के कितनी हो चुकी, 448 हो चुकी है। उस टाइम जिस टाइम हमारा संविधान बना जनवरी 1950 में जब ये लागू हुआ उस टाइम अनुसूचियां यहाँ पर 8 थी, बट अब अगर आप देखोगे तो अनुसूचियां कितनी हो चुकी है, 12। सेम ऐसे ही उस टाइम संविधान में 22 भाग थे और अभी जो संविधान में हमारे भाग हैं वो टोटल है 25। हमारा जो संविधान है, देखिए जब हम आजाद हुए, जब हमने अपने संविधान का निर्माण शुरू किया तो उस टाइम वर्ल्ड में, विश्व में कई हिस्सों में, विश्व के विभिन्न जो राज्य थे उनके अपने संविधान थे। तो हमने जो कोशिश की बेसिक क्या किया कि वर्ल्ड में डिफरेंट जो संविधान है वहां जो बेस्ट है उसको अपने संविधान में मेंशन करने की हम लोगों ने, उसको अपने संविधान में लाने की हम लोगों ने कोशिश की, जिससे कि हमारे देश को एक बेस्ट, एक बहुत अच्छा संविधान मिल सके। तो जो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने हर पहलू पर बहुत अच्छे से क्या नाम है सोच विचार किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमें अपना ही सब कुछ क्रिएट करना है, विश्व के जिस हिस्से में जहां के संविधान में जो बेस्ट है उसको उन्होंने अपनाया। और
उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि 395 आर्टिकल थे, तो उस 395 आर्टिकल में से अराउंड 200 आर्टिकल जो थे, 200 अनुच्छेद, 395 में से 200 अनुच्छेद जो है वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो इस चीज को लेके कई लोगों ने आलोचना भी की कि जो संविधान है बेसिकली 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसको ही, उसकी ही कॉपी कर ली गई है। बट उस टाइम जो ज्यादातर ये अधिनियम के जो अनुच्छेद हैं वो हमें अपने देश के अकॉर्डिंग लगे, और उसके अकॉर्डिंग ही पहले भारत का शासन चल रहा था, तो मैक्सिमम जो है वो आपका 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से मिलेंगे। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो जैसे संघ और राज्य की शक्तियों, संघ और राज्य की शक्तियां किस तरीके से डिवाइड होगी, किसकी क्या शक्तियां हैं, ये जो है ये चीज हमने 1935 के जो कुछ मेजर चीजें हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि 1935 के एक्ट से हमने लिया है। देन संविधान का आकार, भाषा, अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा, ये सारी चीजें हमने भारतीय हमारा जो भारतीय शासन अधिनियम रहा है 1935 का उससे हमने लिया है। देन जो नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो वो है ब्रिटिश। अब इसके बाद देखिए पहला जो स्रोत रहा हमारे संविधान का वो कहाँ क्या रहा, हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। देन अगला जो स्रोत है वो है आपका ब्रिटिश संविधान। हमारे भारत में जो हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, ठीक है, हमने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है ये संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटिश संसद से ली है। बेसिकली जो आपका ब्रिटिश का संविधान है, ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली है वो भी आपकी संसदात्मक संसदीय शासन प्रणाली है, तो वहां से हमने ये कॉपी, वहां से हमने बेसिकली ये लिया है। और इसको लेने के पीछे जो तर्क था संविधान सभा के जो भी सदस्य थे कि इवन ब्रिटिश रूल में भी हमारे यहाँ एक तरीके से ये संसदीय प्रणाली ही चल रही थी, कि बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो रियासतें थी या जो आपका इंटरनल जो क्या नाम है स्वराज की बात हुई और इंटरनल जो शासन है धीरे धीरे भारतीयों को सौंपना शुरू किया था। तो एक तरीके से ये दो लेयर वाला सिस्टम चल रहा था, ये संसदीय जो सिस्टम था वो चल रहा था। और ये था कि जो भारत के लोग हैं इस संसदीय प्रणाली से वो क्या नाम है फेमिलियर है इससे, इसके वो इसको वो जानते हैं, इस प्रणाली के अंडर उन्होंने काम किया है, तो भारतीयों के लिए संसदीय प्रणाली जो है वो बेस्ट रहेगा। अगर संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है तो भारत भारत में जो शासन है वो ज्यादा बेटर तरीके से चल सकेगा। देन अमेरिका के संविधान से हमने लिया है काफी सारी चीजों को। अमेरिका के संविधान से सबसे बड़ी जो चीज हमने ली हुई है वो मूल अधिकार है, ठीक है। हमें जो मूल अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान में, जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इन मौलिक अधिकारों का स्रोत हमारे संविधान में क्या है, कहाँ से आया है, अमेरिका के संविधान से आया है। देन सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की गई है, आपको शायद पता होगा कि जो जुडिशरी है उसके डिफरेंट लेयर है। सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, देन स्टेट में हमारा उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड देन आप देखोगे क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये जो डिफरेंट लेयर है, बट इसमें जो हमने सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की है, सर्वोच्च न्यायालय आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, पूरे भारत में सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमने ली है ये हमने अमेरिका से ली है। देन हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाना या जो वित्तीय आपातकाल है, ये सारे जो प्रोविजन हमने लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसके बारे में जब हम न्यायपालिका का जो चैप्टर है वो करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी। देन आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होगा उसकी उसका स्वरूप कैसा होगा वो भी आयरलैंड के संविधान से है। और राज्यसभा में आपको शायद पता हो
12 सदस्यों का मनोनय होता है, 12 सदस्यों को हम लोग मनोनीत करते हैं। तो ये 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, ये डिफरेंट फील्ड के होते हैं, कला, विज्ञान, ठीक है, मनोरंजन, समाज सेवा। तो अलग अलग क्षेत्रों के 12 लोगों को संविधान सभा में, सॉरी, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ये जो मनोनीत करते हैं, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये मनोनय जो है, ये भी जो हमने कहां से लिया है, ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। देन कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द का यूज हमने लिया है। और जितनी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, देखिए संविधान ने क्या किया है, जो शक्तियां हैं संविधान हमारे देश में, तो संविधान की जो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया कि राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। बट उसके बाद भी जो कुछ बच जाता है वो किसके पास जाएगा, उस पर राज्य कानून बनाएगा या केंद्र कानून बनाएगा। तो ये जो विभाजन के बाद जो चीजें बच गई, अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो कि ना राज्य के पास गया है और ना ही केंद्र के पास है, तो ऐसे मुद्दों पर कानून कौन बनाएगा, ये सारी शक्तियां जो है ये केंद्र के पास है। तो इस तरह की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र को जो दी गई है, ये भी ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची, शक्ति का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार तथा प्रस्तावना में निहित जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, ये सारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। जापान के संविधान से आर्टिकल 21, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको आर्टिकल 21 के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल 21 में जो एक वर्ड है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से है। देन जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, वहां से हमने आपातकालीन शक्तियां ली है। फ्रांस का जो संविधान है, वहां से गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। और सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। मूल कर्तव्य ओरिजिनल संविधान में हमारे नहीं थे, मूल कर्तव्य जो है ये आपका हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। संविधान में पार्ट 4A जोड़ा गया और उसके थ्रू मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो ये जो है ये बाद में जोड़ा गया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारा जो संविधान है वो लगभग वर्ल्ड के जितने भी बड़े देश हैं, ठीक है, वहां के संविधानों को एक तरीके से, वहां के संविधानों का विश्लेषण करके वहां का जो बेस्ट रहा है उसको हमारे संविधान में शामिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि जो हमारा संविधान है वो उधार का संविधान है। बट ऐसे कहना पूरी तरीके से उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में जहां जहां हमसे पहले संविधान बन चुका वहां उन्होंने ये व्यवस्थाएं अपना ली, तो हम अपने लिए इससे अलग कौन सी नई व्यवस्था बनाते, कौन सी नई चीज हम क्रिएट करते। तो इसलिए क्योंकि ये चीजें पहले, ये बेस्ट चीजें हैं, किसी भी देश में ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि वहां की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे, तो इसके लिए इन चीजों की बहुत जरूरत है। तो इस वजह से क्या है कि जहां जहां जो जो चीजें चल रही थी वहां से हमने ली। अब इससे अलग हम, आप ही सोच के देखो कि अगर हम ये, कोई ये कहे कि फ्रांस के संविधान से गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को हमने कॉपी किया है, तो इसके अलावा इससे बेस्ट हम अपने लिए क्या क्रिएट कर सकते थे। तो इस, हम ये चीजें अपने लिए कुछ अलग से क्रिएट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए अलग अलग संविधान, अलग अलग जगहों से हमने ये चीजें ली हैं। तो उस आधार पर ये कहना है कि भारतीय संविधान जो है वो कॉपी किया हुआ है, इसका अपना मूल कुछ भी नहीं है, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो आलोचना है, ये एक तरीके से गलत है। अब अगर हम अपने संविधान की विशेषताओं की बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं हमारे संविधान की, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर ले और इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा थोड़ा एलोबरेट कर देती हूँ। देखिए पहली बात है लिखित संविधान। हमारे विश्व, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की संविधान की व्यवस्था है।
फ्रांस अमेरिका का संविधान अगर आप देखो तो लिखित संविधान है, जबकि अगर आप ब्रिटेन का संविधान देखो तो लिखित है, लिखित नहीं है। और ब्रिटेन का संविधान जो है वो ज्यादातर परंपराओं पर चलता है। तो हमने लिखित संविधान की व्यवस्था की। हमारे संविधान निर्माता हमारे देश को जो कुछ देना चाहते थे या जो भी उनके दिमाग में था, जो भी उनके विचार में था कि हमारे देश का भविष्य इस तरीके का हो या हमारे देश के नागरिक इस तरीके से विकास करें, हमारा देश इस तरीके से चले, तो जो भी उनका विचार विमर्श था, जो भी उनकी भावनाएं थी, उन्होंने संविधान में लिख दी है। हमारे संविधान में सारी चीजें लिखी हुई है। इसकी वजह से क्या है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की दया पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी और वो किसी भी तरीके से जैसे भी चाहे, जो भी चाहे, उस तरीके से वो हमारे संविधान में मॉडिफिकेशन कर दे, वो ऐसा नहीं कर सकती है। लिखित संविधान है, सारी चीजों का वर्णन है, किसको कितनी शक्ति मिली है, ठीक है, संसद कैसे चलेगी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, ठीक है, न्यायपालिका का उत्तरदायित्व क्या होगा, हर चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है। देन हमारा जो संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। दैट मीन्स कि प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कंट्री है, जो प्रभुता संपन्न कंट्री है, देश है, वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। मतलब वो बाहर के देशों से कैसे क्या रिलेशन रखना चाहती है, वो किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर में आकर नहीं करती है। वो अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार अदर कंट्री से रिलेशन रखने के लिए स्वतंत्र होती है। साथ ही साथ क्या है कि जो इंटरनल मैटर है, देश के जो आंतरिक मामले हैं, वो कैसे चलेगा, ठीक है, उसके लिए क्या नियम कानून बनाए जाएंगे, ये उस देश के लोग या उस देश की जो संसद है वो निर्धारित करती है। तो प्रभुसत्ता संपन्न होने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी फील्ड में किसी बाहरी शक्ति के प्रेशर में आप काम नहीं कर रहे हो। और हमारे यहाँ जो सत्ता है वो किसमें केंद्रित है, हमारे यहाँ देखिए लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या कहा जाता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और तो इसलिए क्योंकि हमारी जो प्रभुसत्ता है बेसिकली लोगों में, जनता में ये है, इसलिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित कहा जाता है। इवन आप देखोगे कि हमारा जो संविधान बना था, तो हमारे संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा थी वो निर्वाचित थी। हमारी जो संविधान सभा थी वो निर्वाचित थी। वो संविधान सभा भी किसके थ्रू थी, लोगों के द्वारा चुनी गई थी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश, उस टाइम ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को हमारे लिए फिक्स कर दिया कि ये हमारे लिए, ये भारत के लिए संविधान बनाएंगे, और ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन हुआ, लोग जिसको पसंद करते थे, लोगों में जो उनके नेता या उनकी जो पार्टी प्रिय थी, जिसको वो पसंद करते थे, जिस पर वो भरोसा करते थे, उनको चुनकर लोगों ने संविधान सभा में पहुंचाया और उन लोगों के द्वारा ये संविधान बनाया गया। देन एक विशेषता ये है कि विस्तृत संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वर्ल्ड में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसका रीजन ये है कि अगर आप भारत की भौगोलिक स्थिति को देखो तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको पूरे भारत में विविधताएं नजर आएगी। सिर्फ ये विविधता भौगोलिक नहीं है, हमारे संस्कृति में आपको विविधता नजर आएगी, भाषा में विविधता नजर आएगी, लोगों के रहन सहन में विविधता नजर आएगी, मौसम में तो नजर आती ही है, ठीक है। इवन जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारे पूरे देश का, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरे देश में एक जैसा नहीं है। तो विस्तृत संविधान इसलिए हुआ क्योंकि हर जगह के लोग,
पूरे भारत में कहाँ किस तरीके के लोग हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है, उनके उनको किस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, उनके लिए भविष्य में किस तरीके से उनकी जो संस्कृति है, उनका जो धर्म है, उनकी जो भाषा है, उसको किस तरीके से संरक्षित किया जाएगा, ये एक-एक चीज जो है, इसका वर्णन हमारे संविधान में है। इवन अगर आप अमेरिका का संविधान देखें तो उसमें आपको टोटल स्टार्टिंग में 7 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, टोटल 7 आर्टिकल। कनाडा का आप देखते हो तो 148, 140, 147 या 148 आर्टिकल है, जबकि हमारे संविधान में कितने, स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे। इवन इन 395 आर्टिकल में भी बहुत सारे आर्टिकल में ए बी सी डी ई एफ जी करके आपको मिलेगा, कि जैसे आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 19 में बहुत सारे आपको क्या नाम है, बहुत सारे उसमें ए बी सी डी उसके सब आर्टिकल मिलेंगे। तो अगर सब आर्टिकल आप गिनो तो 395 से भी वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक एक चीज का वर्णन है, इसलिए आपका जो है संविधान क्या नाम है, विस्तृत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, मतलब हम इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से फ्री हैं, किसी के प्रेशर में नहीं है, और हमारे यहाँ जो सरकारें चुनी जाती है उसका जो तरीका है वो लोकतांत्रिक तरीका है, ठीक है, लोकतंत्र पर आधारित हम गणराज्य हैं। देन हमारे संविधान में दो वर्ड है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राज्य, ठीक है। देखिए अगर आप हमारे संविधान का ढांचा देखें या हमारे संविधान का स्ट्रक्चर देखें तो स्टार्टिंग से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। हमारे संविधान में जो आप देखोगे कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता ये बताती है कि हमारे जो संविधान का बेस है वो आपका सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है। बट ओरिजिनल संविधान में, इवन तो ओरिजिनल संविधान में ये जो पंथ निरपेक्ष राज्य, ये वर्ड नहीं जुड़ा हुआ था, ये शब्द ओरिजिनल संविधान में नहीं था। हालांकि हमारे संविधान का नेचर जो है वो सेकुलर रहा है, बट ये वर्ड उसमें मेंशन नहीं था। एंड अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में ही क्या रहा, हमने समाजवादी व्यवस्था हमारे देश में अपनाई गई, ठीक है। उद्योगों का आप देखोगे वर्गीकरण कुछ प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारे संविधान के मूल में है, बट ये दोनों वर्ड पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राज्य, ये दोनों वर्ड मूल संविधान में नहीं थे। ये दोनों वर्ड वर्ड जो है, ये दोनों शब्द जो है, ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारे संविधान में जोड़े गए। देन आप देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी शक्ति है वो ना न्यायालय है ना संसद है, जो भी क्या नाम है डिपार्टमेंट है, जो भी संस्था है हमारे यहाँ, वो सभी संस्थाएं अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करती है, अपनी शक्ति वो संविधान से प्राप्त करती है। मैंने पहले के पॉइंट में बताया ना कि विशालकाय जो हमारा संविधान है उसका रीजन क्या है, कि एक एक चीज का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो सबसे ऊंचा जो स्थान है हमारे देश में वो किसका है, संविधान का है। संसद भी कैसे कार्य करेगी, ये भी संसद को डायरेक्शन जो है वो कहाँ से मिलता है, हमारे संविधान से मिलता है। तो संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। देन कठोरता और लचीलेपन का समन्वय आप देखेंगे। देखिए ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है, वहां वो कुछ भी क्या नाम है, अगर संशोधन करना चाहते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं, जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ज्यादा कठोर है, वहां के संविधान में संशोधन करना आसान काम नहीं है। बट हमारे संविधान निर्माताओं ने ये देखा था कि आजादी के बाद भविष्य में बहुत सारे चेंजेस हो सकता है, डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे चेंजेस हमें हमारे संविधान में करने पड़ेंगे।
और हो सकता है कि ये चेंजेस जो है संविधान को लागू करने के जस्ट बाद ही करने पड़ जाए। तो हमारे संविधान का जो एक नेचर उन्होंने रखा वो कैसा रखा, कठोर व लचीला दोनों का मिक्सिंग है। हमारा जो संविधान है इसमें ये दोनों ही चीजें मिक्स है, कठोरता भी और लचीलापन भी। कुछ तो संशोधन जो है उसको करने के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती, बहुत साधारण बहुमत से ही वो हो जाते हैं। जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना है तो ऐसा क्या है, ये बड़े आराम से साधारण बहुमत से जो है ये चीज हो जाती है। बट कुछ ऐसे भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि अगर उनको उसमें अगर आपको चेंजेस करने हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको उस केस में आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। ये मेजोरिटी आपकी कैसी रहेगी, जो स्पेशल मेजोरिटी की जब हम बात करते हैं कि आपको जो टोटल संविधान सभा के सदस्य हैं उसका हाफ और जो वोट करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 मेजोरिटी। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके के अनुच्छेदों में चेंज करने के लिए या अलग अलग तरीके के संशोधन के लिए हमारे संविधान में अलग अलग तरीके का जो है प्रोसेस वो अपनाया जाता है। देन एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। देखिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट शासन चलाती है और केंद्र में क्या नाम है, केंद्र की सरकार है। दो तरीके का लेयर है, राज्यों में राज्य सरकार काम करती है और पूरे भारत के लिए केंद्र में जो कार्य करती है वो केंद्र सरकार कार्य करती है। जैसे आपको पता है कि जो हमारे पीएम है वो पूरे देश के होते हैं, वो किसी राज्य के नहीं है। तो पीएम जो है नरेंद्र मोदी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। एंड आप जिस भी राज्य को अगर आप देखें, जैसे दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हालांकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, फिर भी दिल्ली में मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो दिल्ली में आप देखेंगे मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। देन यूपी एक स्टेट है, यूपी में आप मुख्यमंत्री देखते हैं योगी आदित्यनाथ है। महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है, महाराष्ट्र में जो शासन चला रहे हैं वो अभी उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। तो केंद्र में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी शासन चला रहे हैं और डिफरेंट जो आप राज्य देखेंगे तो इन सभी राज्यों में आपको वहां की राज्य सरकार जो है वो शासन चलाती हुई नजर आती है। बट जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के टाइम पर क्या है, हमारे संविधान में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि इमरजेंसी के टाइम पर जो शक्तियां हैं वो स्टेट के हाथों से निकलकर किसके हाथों में आ जाती है, केंद्र के हाथों में आ जाती है। कि सपोज कीजिए कि अगर अभी बाहर से कोई हमला हो जाता है, ठीक है, उस केस में अगर देश में आपातकाल लागू होगा तो जो पूरे देश का शासन है वो वहां के मुख्यमंत्री अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं उस केस में, ठीक है। उस केस में वो मुख्यमंत्री शासन नहीं चलाएंगे, उस केस में उनको जो सेंटर से डायरेक्शन होगा उसको उनको मानना पड़ेगा। तो हमेशा आपातकाल की स्थिति में जो शक्तियां हैं वो संघात्मक से निकलकर, संघात्मक रूप को त्याग कर वो क्या हो जाती है, एक तरीके से एकात्मक हो जाती है। देन देखिए हमारे यहां पर जो न्यायालय है, न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। संसद को, 10th पॉइंट बता रही हूं, संसद को क्या है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संसद संविधान में संशोधन कर सकता है बट वो संशोधन लीगल है, मतलब वो जो संशोधन है वो मान्य है या नहीं है, इसका डिसीजन मोर और लेस कौन करता है, हमारा न्यायालय करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को एक तरीके से हम अपने संविधान का रक्षक भी कहते हैं। न्यायालय ये देखता है कि संसद ने जो चेंजेस किए हैं वो संविधान के मूल स्वरूप के अनुसार है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई संवैधानिक संशोधन करके संविधान का जो मूल ढांचा है उसको बदलने का कोशिश किया गया है। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि संविधान में जो चेंजेस किए गए हैं ये चेंजेस
संविधान के मूल ढांचे को, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो क्या नाम है नुकसान पहुंचा रहा है। तो जिस हद तक कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ रहा होगा, उसको नुकसान पहुंचा रहा होगा, उस हद तक क्या है न्यायालय उस संशोधन को रद्द कर देगी। तो संसद की अपनी संप्रभुता है, क्योंकि संसद में जो सदस्य जाते हैं वो लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं। बट संविधान में इस तरीके का व्यवस्था हमारा किया गया है कि संसद कानून बनाएगी, ठीक है, संसद अलग है, सर्वोच्च न्यायालय अलग है, ठीक है, बट संसद अपनी जगह संप्रभुत्व है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी जगह संप्रभुत्व है, अपनी जगह क्या नाम है आजाद है, स्वतंत्र है और उस तरीके से वो कार्य करता है। संसात्मक शासन व्यवस्था जो मैंने ऊपर आपको बताया वही है बेसिकली। एंड देन मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए हुए हैं। उन्होंने जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने देश के नागरिकों को जो सत्ताधारी दल होंगे उनकी इच्छा पर नहीं छोड़ा। उन्होंने एक नागरिक को विकास करने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए, उनको जो मूलभूत अधिकार चाहिए, उन सभी का वर्णन संविधान में कर दिया। और इन मूल अधिकारों को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई सरकार इन मूल अधिकारों का हनन करती है तो उस स्थिति में जो देश का नागरिक है वो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन कर सकता है, वहां वो केस फाइल कर सकता है। और जहां तक सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस केस में क्या है जो फैसले दिए जाते हैं वो फिर जो क्या नाम है जिसने केस फाइल किया है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसके पक्ष में है। देखिए कई जगह अपवाद है, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको लागू करने के लिए संसद चाहे तो मूल अधिकारों के कुछ पार्ट में वो चेंज कर सकती है, बट वो चेंज जो होंगे वो संविधान के मूल ढांचे में बिना कोई चेंज किए होंगे। अगर क्या नाम है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी मूल अधिकार में चेंज किया जाता है और जो संशोधन किए जाते हैं उन संशोधन से संविधान का जो मूल ढांचा है अगर वो बिगड़ता है तो उस केस में क्या है वो संशोधन जो है वो मान्य नहीं होंगे, उन संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा रद्द कर देगा। देन आप देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कि फ्यूचर में आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद राज्य किस तरीके से कार्य करेगा, राज्य किस तरह की नीतियां बनाएगा लोगों के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए, तो उसके लिए भी नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं कि राज्य के लिए, राज्य की नीति के लिए डायरेक्शन हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही लिख दिया, उनको पूरी तरीके से फ्री नहीं छोड़ा। देन मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य हमने रशिया के संविधान से लिए हैं जो कि बाद में जोड़े गए हैं। कहा जाता है ना कि अगर आपको अपने अधिकारों का उपभोग करना है तो उसके लिए आपको कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, तो हमारे संविधान में अब मौलिक कर्तव्यों का भी क्या है वर्णन किया गया है। देन हमारे संविधान के द्वारा ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य जो स्वतंत्र अभिकरण है उसकी व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका का आप टाइम टू टाइम वो देख सकते हैं कि बहुत बार क्या है कि हमारी देखिए हमारे संविधान में न्यायपालिका की इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों से अलग है,
न्यायपालिका और कार्य सॉरी विधायिका और कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्य को इफेक्ट नहीं कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर उनकी उनको हटाने तक की जो प्रक्रिया है हर चीज का वर्णन संविधान में किया गया है। इवन उनको वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे ये सारी चीजें, ये वेतन भत्ते उनके अलग से संचित निधि से मिलते हैं। इवन एक बार जब कोई जिन शर्तों पर कोई न्यायाधीश ज्वाइन होता है वो अपना कार्यभार संभालता है उनके कार्यकाल में उसमें किसी तरीके के चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो कोई नेता अपने किसी कार्य के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए न्यायपालिका को प्रभावित ना कर सके इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कि लोगों को कानून ठीक है लोगों को क्या नाम है निष्पक्ष तौर पे न्याय मिल सके, कानून सबके लिए समान हो इसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान में कर दी गई है। इसके अलावा भी और देखोगे कि बहुत सारे अलग जो आपके इंडिपेंडेंट क्या नाम है एजेंसीज हैं जैसे कि आपका कैग हुआ ठीक है, देन निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में तो अभी थोड़े टाइम पहले चुनाव हुए थे, आप सुनते होंगे कि निर्वाचन आयोग ने इस पार्टी ने इसको बैन कर दिया, इस पर ये पाबंदी लगा दी ठीक है। तो निर्वाचन आयोग क्या है, सरकार के दबाव में काम नहीं करती। जो हमारे देश में चुनाव होते हैं उन चुनावों को कराने का जो दायित्व है निर्वाचन आयोग पे, और एक वो पूरी तरीके से स्वतंत्र संस्था है। देन क्या किया गया कि ब्रिटिश टाइम पे अगर आप देखोगे तो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काम क्या था कि फूट डालो और शासन करो, तो उनका इस तरीके का मोटिव था। तो स्वतंत्र भारत में हम क्या देखते हैं कि जो सांप्रदायिकता की बात है कि फूट डालो और शासन करो, इस नीति को खत्म कर दिया गया। जो उस टाइम जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग चुनाव विधानसभाएं जो उन्होंने ठीक है या निर्वाचन क्षेत्र जो उन्होंने डिसाइड किए हुए थे, इन चीजों को खत्म करके एक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का जो व्यवस्था है हमारे संविधान में की गई कि हमारे देश में कोई भी जो 18 साल से ऊपर का है, किसी भी जाति धर्म किसी भी आर्थिक स्थिति में रहता हो, वो चुनाव दे सकता है अपनी मर्जी से। देखिए विश्व में कई जगह जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है, जैसे अगर आप अमेरिका देखें तो अमेरिका के लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई है। वो अपने देश के मतलब वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी नागरिक है, और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो 50 स्टेट है तो जो पर्सन जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो वहां का भी नागरिक है। तो पहले वो राज्य का नागरिक है और फिर जाके वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का नागरिक है। मगर हमारे देश में क्या है, हमें सिर्फ एक नागरिकता मिली हुई है भारतीय ठीक है। हम ये हमारे साथ ऐसा नहीं कि पहले हम यूपी के नागरिक हैं उत्तर प्रदेश के और फिर हम भारत के नागरिक हैं, ऐसा हमारे साथ नहीं है ठीक है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, ड्यूअल डबल सिटीजनशिप की व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन आप देखोगे सामाजिक समानता की जो स्थापना की गई है ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकारों के द्वारा और भी अलग अलग अनुच्छेदों के द्वारा क्या किया गया है, सामाजिक समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो समाज के लोग हैं वो मैक्सिमम क्या रहे, समान रहे ठीक है। आप देखोगे कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ठीक है तो उसमें आप देखोगे कि हमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, किसी भी नागरिक से भारत के नागरिक से किसी भी आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो हमने समाजवादी व्यवस्था अपनाई उसका रीजन क्या था कि जो एक इकोनॉमिक फर्क है अमीर गरीब का फर्क है उसको कम करने की बात की गई। तो अलग अलग तरीके से हमारे देश में हमने क्या किया, जो समानता है हमारे देश में हमने समानता स्थापित करने की कोशिश की। बट हमारे संविधान की कई आधारों पर आलोचना की जाती है, जैसे मैंने बताया कि पहली चीज तो लोग ये कहते हैं कि उधार का संविधान है, जिसका मैंने आपको रीजन बताया कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी जो अलग अलग देश है वहां के लोग
ऑलरेडी इस तरीके की व्यवस्था अपना चुके थे कि जिसकी वजह से कि उससे अलग हम कुछ नया नहीं कर सकते थे, उससे हम नया अपने लिए क्या बनाते। तो इस तरीके से ऐसा रहा। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो ये संविधान है वो बहुत बड़ा है, तो इसके साइज को लेके भी हमारे देश के संविधान की जो है वो आलोचना की गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो संविधान है ये बिफोर इंडिपेंडेंस ही बनना, जैसे मैंने बताया कि 1946 में ही हमारा शुरू हो गया, तो जी उस समय जो संविधान सभा थे, ठीक है, ये लोगों की पसंद की नहीं थी कि भाई जो भारत के लोग हैं नागरिकों के नागरिकों द्वारा चुनी हुई नहीं थी। बट उससे पहले आप देखते हो कि इलेक्शन कराया गया, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जब इलेक्शन हुआ तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी क्या रहा कि जो कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि जिसका मतलब पहले क्या था आपका, सिर्फ कांग्रेस था, जो बाद में इंडिपेंडेंट के बाद उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो इसी पार्टी के ज्यादातर सदस्य, मतलब वही लोग जो कि संविधान निर्माता थे, जो संविधान निर्माण के टाइम पर संविधान सभा में थे, इन्हीं लोगों को ज्यादातर क्या किया है, लोगों ने चुना, यही लोग चुनकर संविधान सभा के सदस्यों ने इन्हीं लोगों को चुनकर वापस संसद में भेजा। तो चाहे वो संविधान सभा पहले गठित की गई, इवन पहले भी इलेक्शन हुए और बाद में भी जब गठित की गई, तो इन्हीं लोगों को इसमें मैक्सिमम हमने चुना। तो बात सेम है, चाहे पहले इलेक्शन हुआ या बाद में इलेक्शन हुआ, हमने उन्हीं लोगों को चुना। तो बाद में भी इलेक्शन होकर अगर संविधान सभा का गठन होता तो क्या होता, यही लोग जो है वो चुनकर आते। तो इस तरह की जो कुछ जो आलोचनाएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आलोचनाएं की हैं, बट उसका हम मतलब ये नहीं कह सकते कि वो आलोचनाएं जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या वो उसका जो वो बहुत ज्यादा बेस में है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? कोई क्वेश्चन आई थिंक इससे रिलेटेड नहीं है संविधान सभा से। कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे टाइप करके इसमें पूछ लो, ठीक है, आप टाइप करके पूछ लो मुझसे। और मौलिक कर्तव्य, हाँ बेटा, रशिया से ही लिया है, रूस से ही लिया है, किसी ने पूछा है कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ठीक है। सिटीजनशिप बेटा सिंगल सिटीजनशिप है, एक ने मुझसे पूछा है मैम कैन यू रिपीट वन सिटीजनशिप। बेटा वन सिटीजनशिप में ये होता है कि हमारे यहाँ जो है सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप में आप सिर्फ भारत के नागरिक हो, आपको जो पासपोर्ट इशू होगा उस पर भारतीय गणराज्य लिखा होता है, ठीक है। जबकि जो इवन हमें क्या है, हमें जो वोटर आईडी मिला होता है, या आप जब अभी आधार देखते हो या कुछ भी जो है, उस पर आपको क्या रहेगा, भारत सरकार लिखा होता है, ठीक है। उस पर ये नहीं, आपके वोटर आईडी पे भी देखोगे तो भारत सरकार ही लिखा होता है, चाहे आप वोटर कहीं के भी हो, उस पर ये नहीं लिखा होता कि दिल्ली सरकार और उसके बाद भारत सरकार लिखा हो, इस तरीके से नहीं होगा। जहां ड्यूअल सिटीजनशिप होती है वहां लोगों को पहले वो अपने राज्य के, कि जिस राज्य में रह रहे हो, लाइक अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो पहली जो मेरी सिटीजनशिप होगी वो किसकी होगी, दिल्ली की होगी, देन जाके मैं भारत की नागरिक हुई। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यूएसए में ऐसा ही है। यूएसए में अगर कोई कैलिफोर्निया का है तो वो पहले कैलिफोर्निया का नागरिक होगा, देन जाके वो क्या होगा, वो यूएसए का नागरिक है। तो जिन जगहों पर दोहरी नागरिकता मिली होती है वो आपका डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, और जहां पर चाहे वो किसी भी राज्य का हो मगर वो एक ही है, ठीक है, बट वो एक ही है, तो उस केस में क्या रहेगा, मतलब उसको अगर सिंगल नागरिकता, एक ही नागरिकता मिली हुई है तो उस केस में हम उसको सिंगल या एकहरी नागरिकता कहते हैं। ये बेटा क्या एक ने किसी ने पूछा है कि फंडामेंटल राइट, बेटा फंडामेंटल राइट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी नेगेटिव क्यों है। अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट, 1 मिनट में। आप लोगों की क्लास देर से शुरू हुई थी तो मैं एक बार थोड़ा सा पूछती हूँ कि मैं इस पर आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, इफ पॉसिबल देन मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अगर आप लोगों को पानी वानी पीना है तो आप 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक ले लो, एंड देन 2 मिनट बाद मैं आपका जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, मैं उसको शुरू करूंगी।
थोड़ा सा आप लोग अपना पेन पेपर लेके रखना, मैं उसमें आपको चीजें जो है नोट करा देती हूँ फंडामेंटल राइट में, ठीक है। जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए, संविधान का आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्वेश्चन में देख लेती हूँ अगर आप में से किसी और का है तो। बेटा मैं एक काम करूंगी, संविधान से रिलेटेड, या देखिए आज प्रॉब्लम हो गई थी, आज पता नहीं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप लोगों से अटैच ही नहीं हो पा रहा था और 1 घंटा करीब आप लोगों का खराब हो गया। तो मैं एक कोशिश ये करूंगी कि जितने भी बेटा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, जो लास्ट क्लास होगी, मैं लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, मतलब किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन मैं पूरा बना लाऊंगी, आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे एक कोई क्वेश्चन आज बताऊंगी फिर किसी दिन, तो वो पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो मैं एक साथ आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उन सभी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस तरीके के जो आपके क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके जो ये जितनी क्लासेस लूंगी इससे रिलेटेड आपके 10-12 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इन टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन मैं एक साथ नोट कर दूंगी और वो सारे क्वेश्चन आप एक काम कीजिएगा स्क्रीन से आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। बेटा राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सारे अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो है मैं आपको कराती हूँ, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो आप संविधान में, संविधान जब मैंने आपको पढ़ाया तो संविधान में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, इन चीजों को लेकर जो आप कंफ्यूज हो, लाइक जो ये एक एक वर्ड आए हैं, तो इनको प्रॉपर तरीके से मैं अब आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। संविधान में जो संशोधन का प्रोसेस आप पूछ रहे हो, संविधान में जो संशोधन है, ये संविधान संशोधन संसद करता है, ठीक है। संविधान के संशोधन लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, बट इसका प्रोसेस क्या है कि अलग 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 तरीके के नीति या अलग अलग तरीके के जो क्या नाम है कानून है, उसमें संशोधन करने के लिए आपको अलग अलग तरीके का क्या नाम है प्रोसेस अपनाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि नए राज्यों का अगर निर्माण करना हो, ठीक है, या जो अभी राज्य है उनका पुनर्गठन करना हो, पुनर्गठन में आप ये कर सकते हो कि एक से ज्यादा राज्यों को मिलाना है, ठीक है, मिला के उनको एक बनाना है, तो पुनर्गठन बेसिकली हो गया, या नागरिकता से संबंधित कुछ संशोधन करना हो, जैसे अभी आपने देखा ना कि एक हमारा नया नागरिकता बिल आया है, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिस पर अभी खूब हो हल्ला हुआ था, बहुत विरोध सब कुछ हुआ है, तो इस तरीके के अगर हमें कानून बनाने हैं तो ये साधारण बहुमत से हो जाता है कि 50% अगर क्या नाम है वोट पड़ गए पक्ष में तो ये कानून बन जाते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर जिसमें क्या है कि अगर उन कानूनों में फेरबदल करना है, कुछ ऐसे भी कानून है कि अगर उसमें आपको फेरबदल करना है या उससे संबंधित कुछ नया करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। जैसे कि किस तरीके के कानून, एकदम आपको बताती हूँ, तो कुछ कानूनों में जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है उससे संबंधित अगर कानून में कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है कि उसमें आपका रहेगा कि जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों का
50% और जितने जो वोटिंग करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 मेजोरिटी जो है चाहिए होती है। तो इसलिए कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वो दोनों का मतलब उसमें कठोरता और लचीलापन दोनों ही है। बेटा आप लोग सारे क्वेश्चन यही पूछोगे कि पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो हम संसद क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, इसमें हम पावर फंक्शन संसद के भी ले लेंगे, आपके मौलिक अधिकार सारी चीजें नहीं हो सकते। अच्छा चलो अब जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बुक सजेस्ट कर दो, इस तरीके की चीजें, ठीक है? मैं आप लोगों का मौलिक अधिकार शुरू कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट। आप लोग पेन पेपर ले लो, मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि मैं इसमें आपको चीजें जो है नोट डाउन करवाऊंगी, ठीक है? फंडामेंटल राइट क्या है? ठीक है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट वो अधिकार है, ठीक है? देखिए मूल मौलिक क्या है, जो बिल्कुल बेसिक, ठीक है? बिल्कुल बेसिक मतलब ऐसे राइट जो कि एक इंसान को, किसी भी देश के नागरिक को विकास करने के लिए, उसका विकास करने के लिए वो अधिकार उसे चाहिए ही चाहिए, कि अगर वो अधिकार नहीं मिलेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। जैसे एक पौधे को बड़ा होना है तो उसको क्या है, धूप, पानी, हवा, ये चीजें चाहिए। अगर ये चीजें नहीं चाहिए तो क्या है, वो पौधा प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं होगा, या ये हो सकता है कि वो विकसित होने से पहले ही खत्म हो जाए, या अगर उसका विकास भी हो रहा है तो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और ये सारी चीजें एक बैलेंस में चाहिए होती है। तो एक नागरिक को अपना विकास करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए, जो अधिकार उसे चाहिए, ताकि वो अपना हर तरीके का विकास, मतलब वो अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, हर तरीके का विकास कर सके, ठीक है? ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। इस ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए जो बेसिक चीजें किसी को चाहिए, जो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों की हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं हमें किससे प्राप्त होती है, हमारे मौलिक अधिकार से प्राप्त होती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट जो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है? ये फंडामेंटल राइट कैसे राइट हैं, ये वो राइट हैं, ये वो अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक को उसका विकास करने के लिए जरूरी है। अगर ये अधिकार उनको नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, उस इंसान का पूरी तरीके से जो है विकास वो नहीं हो सकता, ठीक है? अब ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है? देखिए मैंने आपको जब वो शो किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपको क्या बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम उसके कितने भाग थे, उस टाइम उसके कितने भाग थे, 22 भाग थे और अब 25 है। तो उस 22 में से जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, संविधान के पार्ट थर्ड में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, क्लियर? एंड ये मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, ये मौलिक अधिकार हमारे, ये जो मौलिक अधिकार है कहां से कहां तक है, 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12। देखिए संविधान के भाग 3 में 12 से लेके 35 तक हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार वो अधिकार जो कि किसी व्यक्ति को एक सम्मान पूर्वक, एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए, हर तरीके का डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है, उनको हम मूल अधिकार कहते हैं। ये जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार वाद योग्य हैं, मतलब इन पर केस किया जा सकता है कि अगर किसी भी देश के जो नागरिक है, ठीक है, इवन यूएसए में भी है, सही? तो इवन जैसे हमारे देश के जो नागरिक है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, अगर
उनके किसी मूल अधिकार से वंचित रखा जाता है, तो ये नागरिक क्या कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि अगर मेरे किसी मूल अधिकार से मुझे वंचित रखा जाता है, ठीक है, मुझे कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ये केसेस नहीं होते हैं, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हूँ कि भाई मेरा जो ये है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, और क्या किया गया है, मेरे इस मौलिक अधिकार का जो है वो हनन किया जा रहा है, मेरे इस मौलिक अधिकार को मुझे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, कोर्ट में जा सकती हूँ, और कोर्ट क्या करेगा, वो इस तरीके का प्रोविजन करेगा कि मुझे जो मेरा मौलिक अधिकार है वो प्राप्त हो, मुझे मेरा मौलिक अधिकार मिले। तो मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ये कहिए कि एक बहुत बड़ा कदम हमारे संविधान निर्माता उठाकर गए हैं, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार सिर्फ वो बना जाते और मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अगर वो कुछ नहीं करते, तो उस केस में क्या था, उस केस में क्या था कि जो गवर्नमेंट आ रही है, नई नई गवर्नमेंट आ रही है, वो अपने हित के लिए, अपने अकॉर्डिंग उन मौलिक अधिकारों का इधर से उधर, अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते, उन मौलिक अधिकारों का जिस भी तरीके से चाहते वो मॉडिफिकेशन कर देते, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन कर देते, और फिर उन अधिकारों का कोई मतलब रह ही नहीं जाता कि किसी ने हमसे कुछ, हमें कुछ दिया, संविधान ने हमें कुछ दिया, और कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और उन चीजों को हमसे छीन कर वापस ले जाती है, उनको अगर वो छीन के ले जाती है, तो उस केस में क्या है। हाँ बेटा, मैं आपको ये नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है, ये आज मैंने बनाए थे आप लोगों के लिए, कुछ इसमें चेंजेस किए थे, तो इसलिए स्कैन नहीं हुआ, कल जो 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखूंगी, तो ये सारे नोट्स मैं एक बार आपकी स्क्रीन पे चला दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बट थोड़ा बहुत आप नोट भी कर लीजिए। तो क्या है कि ये अधिकार वाद योग्य हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू आप लड़ झगड़ कर अपने मौलिक अधिकारों को ले सकते हैं। मौलिक अधिकार मूलतः हमें 7 मिले थे, मतलब स्टार्टिंग में हमें 7 तरीके के मौलिक अधिकार मिले हुए थे, बट क्या रहा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44th अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया, जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। तो एक 7 में से एक चला गया, तो अभी हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें हमारे संविधान से मिले हुए हैं। पहले 7 तरीके के थे, मगर 1978 में क्या किया गया, संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया, और एट प्रेजेंट हमारे पास 6 तरीके के मूल अधिकार बचते हैं। तो ये जो 6 तरीके के मूल अधिकार हैं, आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है बेटा, ये जो एक क्वेश्चन आपने पूछा है ना कि हमारा संविधान कितने बार संशोधन हुआ है, जो मैंने स्लाइड दिखाई थी, अगर आपने उसको कॉपी किया हो या उसका स्क्रीनशॉट लिया हो, तो उसमें देखिए, उसमें वो मेंशन है कि कितने बार अब तक हो चुका है, 104 बार हो चुका है। क्या है, संपत्ति का जो अधिकार है, ये अधिकार अब एक हमारा कानूनी अधिकार बनकर, कानूनी अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार से हटकर कौन सा अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। अब जो हमारे 6 तरीके के क्या नाम है, मौलिक अधिकार है, मैं इसको आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। मौलिक अधिकारों का वर्णन अगर आपने नोट किया हो, तो 12 से लेके 35 तक है, ठीक है, मगर 12-13 जो है इसमें कुछ तरीके के चीजों का वर्णन है कि ये कैसे लागू होंगे, किस तरीके से इनका स्वरूप होगा, इन चीजों का वर्णन है। तो बेसिकली जो अधिकार, मतलब शुरू ये यहाँ से हो जाते हैं, मगर 13 और 14 में कुछ ऐसा वर्णन नहीं है कि नागरिक को कोई अधिकार मिले हुए, तो जो वर्णन है प्रॉपर तरीके से अधिकारों का, कि कहाँ से हमें मिलने शुरू होते हैं, ठीक है, वो आपको बता रही हूँ कि आपका पहला जैसे अधिकार है आपका समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेके
अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक किया गया है। 14, 15, 16, 17, 18, पांच तरीके के समानता का अधिकार आपको दिया गया है। पांच तरीके का समानता का अधिकार जो है वो आपको दिया गया है। ये पांच तरीके के समानता के अधिकार कैसे हैं? पहला अधिकार है आपका कानून के समक्ष समानता। ठीक है, देखिए सीरियल वाइज कराऊंगी, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, तो पहला आपका अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता क्या कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो क्या है, कानून के समक्ष समान है। ठीक है, जाति, धर्म, नस्ल, वंश, कहां आप पैदा हुए हो, ठीक है, आपके जन्म स्थान, आपकी एजुकेशन, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, किसी भी आधार पर कानून आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, दो लोगों ने अगर एक जैसा क्राइम कमिट किया है, जिसमें एक अमीर हो एक गरीब हो, एक जैसा क्राइम कमिट किया है, एक जैसी सिचुएशन है, तो उस केस में क्या है कि उस केस में क्या है, दोनों को एक जैसा ही, दोनों को एक जैसा ही क्या नाम है, पनिशमेंट मिलेगा, कानून से एक जैसी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई अमीर है तो उसके लिए कानून अलग हो जाएगा, कोई गरीब है तो उसके लिए कानून अलग हो जाएगा, किसी कोई पीएचडी होल्डर है तो उसके लिए कानून अलग होगा, और अगर कोई इलिटरेट है, उसको एक शब्द पढ़ना नहीं आता, तो उसके लिए कानून अलग होगा, कि कोई दिल्ली का है तो कानून अलग है और कोई मुंबई का है तो कानून अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अनुच्छेद 14 हमें क्या देता है, कानून के समक्ष समानता, मतलब पूरे भारत में एक जैसा कानून सभी पर लागू होता है। देन अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर, जन्म के आधार पर किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी जाइए, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी आप जाते हैं तो आप देखते होंगे क्या है कि आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी नस्ल के हैं, ठीक है, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, ठीक है, मेल है, फीमेल है, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपके साथ हमारा संविधान किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, आपके साथ इस तरीके का भेदभाव नहीं होता। देखिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं हर जगह, ठीक है, कि आप कहे जी अगर भेदभाव नहीं होता तो जी जो 14 साल के बच्चे हैं वो स्कूटर चला सके, उनको स्कूटर नहीं चलाने देते तो ये भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं। देखिए हर चीज के लिए एक रूल रेगुलेशन है, बट एक रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है वो रूल रेगुलेशन एक जैसे लोगों पर एक ही तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, कि अगर ड्राइविंग का रूल है तो वो क्या है, सभी के लिए एक साथ अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं किया जाता कि ये देखकर कि वो लेडी है या जेंट्स है उस रूल में कोई मॉडिफिकेशन होगा, ये वो भारत के किस हिस्से से है उस हिसाब से उसके लिए रूल अलग बनेगा, इस तरीके का काम नहीं होता है। तो जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरीके का प्रोविजन है। और ये भेदभाव आपका कहाँ है, ये भेदभाव हम सार्वजनिक स्थानों पर कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे मैं हूं, ठीक है, और अगर मेरे घर में कोई काम करने वाले हैं या कोई काम करने वाली आती है, तो उसका मतलब ये नहीं है, देखिए मैंने क्या कहा कि हम अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, कहां, सार्वजनिक स्थानों पर। तो अगर मैं हूं और मेरे यहां अगर कोई काम करने आ रही है, ठीक है, तो अगर हम बस में जा रहे हैं तो बस में जिस सीट पे मैं बैठी हूं उस सीट पे वो बैठ सकती है, मेरे बगल में बिल्कुल बैठ सकती है, बट ये जो आपका अधिकार है इसको आप, इस समानता के अधिकार को आप पर्सनल फील्ड में नहीं, मतलब जैसे मेरा घर है तो उसमें आकर अगर कोई कहे कि भाई क्योंकि
धर्म जाति नस्ल सबके आधार पर हमें समानता मिली हुई है, तो कोई भी आ जाए या मेरे ही घर के जो अगर काम करने वाले हैं जो भी डोमेस्टिक हेल्पर है, अगर वो कहें कि नहीं जी आपके घर में मुझे पूरा पूरा हक है, आपका बेडरूम मैं यूज करूं, आपका जो अलमीरा है मैं यूज करूं, क्योंकि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, तो ये चीज नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसी रेस्टोरेंट में जहां मैं खा रही हूँ, ठीक है, या उसी रेस्टोरेंट में जहां आप खा रहे हैं, आपके अंडर काम करने वाले वहां इक्वल ट्रीट होंगे, वहां आप उसको ऊंचा नीचा ट्रीट नहीं कर सकते। मगर ऑफिस में क्या है कि बॉस अलग है और जो एम्प्लॉय है वो अलग है, वहां रिलेशन अलग है, मगर सार्वजनिक स्थानों पर उस तरीके का रिलेशन जो आप ऑफिस में चलाते हैं या आप अपने घर में चलाते हैं उस तरीके का वो नहीं चलता है। ठीक है, तो जन्म धर्म लिंग जाति इन चीजों के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। 16 क्या कहता है कि जो राज्य है, राज्य के अधीन जितनी भी नौकरी है, मतलब जितनी भी सरकारी नौकरी है, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारी अगर एज है, देखिए हर नौकरी के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसके लिए एक योग्यता फिक्स की गई है, उसके लिए एक एज बार है। तो अगर आप उस योग्यता को रखते हैं, उस एज बार में आप फिट बैठते हैं, तो उसमें आपको बैन नहीं किया जा सकता, उस नौकरी के लिए कंपटीशन में बैठने से आपको नहीं रोका जा सकता है, उसमें आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप टीचर हो, टीचर के लिए एक बीएड की सपोज करिए कि अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, पीजीटी के लिए आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक एज लिमिट है, आप उस एज लिमिट में आते हैं कि 18 से लेके 35 साल, 18 से लेके 36 साल या 21 से लेके 36 साल एज लिमिट है। तो सपोज कीजिए कि अगर आप 21 से लेके 36 साल के बीच में है, आपके पास एमए की डिग्री है, आपके पास बीएड की डिग्री है, सरकार फॉर्म निकालती है पीजीटी के, तो आप उसमें भर सकते हैं, आपको उसमें कोई रोकता नहीं है, कोई ये नहीं देखता कि हाँ आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका कलर क्या है, ठीक है, या आपका लिंग क्या है, कौन सी जाति के हैं, इन चीजों का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उस कंपटीशन में क्वालिफाई करेगा उसको गवर्नमेंट नौकरी देगी। देन 17 जो है वो क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत, जो अनटचेबिलिटी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे समाज में बहुत सारी आपकी सामाजिक बुराइयां भी थी, तो अनुच्छेद 17 द्वारा क्या किया गया, ये छुआछूत का सिस्टम हमारे देश में था, इस छुआछूत के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। आज की डेट में क्या है, अगर आपने किसी के साथ ऐसा बिहेव किया, किसी के साथ छुआछूत का बिहेव किया, तो उस केस में आपके ऊपर वो पर्सन, क्योंकि वो उसकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं, किसी के साथ आप सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके का छुआछूत या इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस तरीके का व्यवहार करेंगे, तो क्या है, वो उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसकी जो डिग्निटी है, उसको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है, उसको कहीं ना कहीं वो धक्का पहुंचाता है, और उस केस में वो पर्सन आपके ऊपर केस कर सकता है। तो ये जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, ये क्या है, ये अनटचेबिलिटी जो है ये क्या है, अभी क्राइम है, अनटचेबिलिटी क्राइम है। देन अनुच्छेद जो 18 है वो क्या कहता है कि हमारे यहाँ जो उपाधियां थी वो सारी उपाधियों का अंत करता है। देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, अंग्रेजों का काम था कि फूट डालो नहीं और राज करो, ठीक है, आप समाज को बांट के रखो, ऊंच नीच बड़ा छोटा, तो वो लोग जो कि अंग्रेजों के फेवर के काम करते थे, ठीक है, या ब्रिटिशर्स जिनको उनको जिनसे उनको लगता था कि ये जो पर्सन है इनको अगर हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे तो दे कैन हेल्प अस, तो ऐसे लोगों को क्या करते थे, अलग अलग उपाधियां दिया करते थे, राय राय बहादुर, इस बहुत सारी उपाधियां बिफोर इंडिपेंडेंस चला करती थी जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू मिलती थी। उन उपाधियों का मतलब क्या हुआ कि जिनको ये उपाधियां मिली हुई है वो आम नागरिकों से थोड़ा अलग है, आम नागरिकों से उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अलग है। बट हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संविधान में ये चीज, इस चीज का वर्णन किया कि जब से आपका ये संविधान लागू होता है तब से हर तरह की जो उपाधियां हैं इसका अंत हो जाएगा। उपाधियां आज के टाइम में सिर्फ दो जगह है, एक तो आपका जो सेना का सेना है उसमें है, और दूसरा जो आपका एजुकेशन का फील्ड है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं उनके नाम के आगे देखा होगा, असिस्टेंट
असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम के आगे देखा होगा डॉक्टर लगा हुआ। तो ये जो डॉक्टर है, जब आप पीएचडी कर लेते हो तो आपको ये डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाने की परमिशन मिलती है, तो ये आपकी उपाधि है बेसिकली, ठीक है। तो ये सिर्फ यही है, देखिए एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा हमारे यहाँ आपने पद्म भूषण भारत रत्न ये चीजें सुनी होगी, ये उपाधियां नहीं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ लोग इसको भी उपाधियों से इसकी तुलना कर देते हैं, इसको उपाधि मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। अब देखिए समानता की हमने बात की, मगर कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में हमने बात की कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेंगे, बट फिर भी हम देखते हैं कि कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको आरक्षण दिया गया है। तो वो आरक्षण जो है वो समानता को खत्म नहीं करता है, ठीक है। जिन लोगों को या जिन विशेष वर्गों को आरक्षण दिया गया है, अगर आप उसके गो थ्रू जाएंगे, अगर उनके बैकग्राउंड में आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सालों से ये लोग प्रताड़ित थे, इनको समाज में सबके जैसा, समाज में क्या था कि एक वर्ग उच्च है, एक वर्ग नीचे है, ठीक है। एक को निम्न वर्ग माना जाता था, एक को उच्च माना जाता था। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के लोगों के साथ पढ़ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, उनकी तरीके से रोजगार या बाकी चीजें नहीं कर सकते थे, तो बहुत सारे बाउंडेशन इन लोगों पर लगे हुए थे। इन बाउंडेशन की वजह से क्या हुआ कि समाज का जो ये वर्ग है ये पिछड़ा रह गया। अब एकदम से आप चाहोगे कि आजादी हुई और सारे लोग समान हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा जो कि शुरू से कन्वेंट स्कूल में जाता हो और एक जो कि 10 या 12 साल की एज में जाकर गांव देहात के किसी स्कूल में उसको एडमिशन मिला हो या उसने ABCD लिखना सीखा हो, तो दोनों का आप एक साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ये कहें कि दोनों एकदम समान हो जाएंगे एक एज पर आके, तो क्या है कि समानता हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक जो 5 साल की एज से कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है और एक जिसको 10-12 साल की एज में किसी स्कूल में एडमिशन मिला है, वो ABCD लिखना सीख रहा है, वो और सीख रहा है, तो अगर आप 18 साल में दोनों का कंपेयर करें कि दोनों 18 साल के हैं, दोनों समान है, तो क्या दोनों की बुद्धि और बाकी सारी चीजें एक जैसी मिलेंगी? नहीं मिलेगी। तो क्योंकि एक वर्ग जो था वो हमेशा से बहुत पिछड़ा हुआ था, उसको दूसरे वर्ग के समान लाने के लिए ये आरक्षण दिए गए। तो ये आरक्षण दिए गए हैं ये बहुत लॉजिकल तरीके से दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कर दिया हो, ऐसा नहीं किया है, ठीक है। बहुत सोच विचार कर हमारा संविधान बना है, बहुत सोच विचार कर संविधान के एक एक अनुच्छेदों को जो है संविधान में सम्मिलित किया गया है। पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा है ना कि कितना लंबा टाइम लगा है संविधान को बनाने में, तो इसलिए एक्सेप्शन जो है वो आपको हमारे पूरे संविधान में देखने को मिलते हैं, चाहे वो हर जगह आपको इस तरीके के एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, जो मौलिक अधिकार मैं आपको करा रही थी, मौलिक अधिकार में एक पॉइंट, मतलब एक तरीके का मैंने आपको बताया ना कि 6 तरीके के मौलिक अधिकार है हमारे, तो एक तरीके का जो मतलब फर्स्ट है आपका मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, वो मैंने आपको बताया। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फटाफट इस पे आंसर, मतलब अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। कल आपका मौलिक अधिकार और क्या नाम है, नीति निर्देशक तत्व और जो आपका मूल कर्तव्य है, ये चीजें जो है मैं आपकी कल करा दूंगी, और इसके अलावा मतलब पहले एक घंटे में ये कराऊंगी और इसके अलावा एक चैप्टर जो है आपका और कराऊंगी, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इसको वाइंड अप करते हैं।